तो अगर अष्टांग हृदय के इस सूत्र को आप माने और समझें, अष्टांग हृदय कहता है कि जिस भोजन को सूर्य का प्रकाश ने स्पर्श नहीं किया हो और पवन ना मिला हो उसको कभी मत खाइए, वो जहर है। दूसरी हमसे क्या गलती हो रही है, हमने अपने घर का नाश्ता ऐसा बनाया जो यूरोप और अमेरिका में मजबूरी में खाया जाता है। मैंने कहा ना पाव रोटी, डबल रोटी, बिस्किट, अब हमने घर में शौक से लाना शुरू किया। ज्यादातर घरों में ब्रेड पकौड़े नाश्ते में मैं देखता हूं, या ब्रेड का कोई ना कोई प्रिपरेशन नाश्ते में मिलता है। पूछो, कहते हैं बहुत इजी है। इजी तो इडली भी है, सांभर भी है, उत्तपम भी है, रसम भी है, डोसा भी है, और हलवा से ज्यादा इजी कोई चीज नहीं। सबसे सुरक्षित, सबसे पौष्टिक हलवा के बारे में आप जानते हैं? मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट आ जाए जो ऑपरेशन करा के आया हो अभी घंटे भर पहले, मैं उसको कह सकता हूं कि घी का हलवा खा लो, इतना सुरक्षित है। उस पेशेंट को रोटी नहीं खिलाई जा सकती, दाल नहीं खिलाई जा सकती, चावल नहीं खिलाया जा सकता कम से कम 15 दिन, लेकिन मैं उसको ये जरूर कह देता हूं कि ऑपरेशन खत्म होते ही जैसे ही होश आए हलवा बना के खिला देना, देशी गाय के घी का, क्योंकि वो हीलिंग में बहुत मदद करता है। तो हलवा से ज्यादा तो कोई भी हमारे पास डिश नहीं है जो 5 मिनट में बन सके, लेकिन वो हलवा गायब हो रहा है धीरे धीरे। पाव रोटी आ गई, डबल रोटी आ गई, बिस्किट आ गया, घर में नूडल्स आ गए, और सवेरे के नाश्ते में ये जरूर है। और आयुर्वेद कहता है कि सवेरे का नाश्ता ही सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए, उसी में भरपेट हम पाव रोटी डबल रोटी खिला रहे हैं। कभी कभी बच्चों का बहाना बना देते हैं जी खाते नहीं, वो आपने खिलाने की आदत नहीं डाली तो वो खाएंगे क्यों। यहां से ही हमारी जिंदगी की गड़बड़ी शुरू हो रही है। और ये सड़े मैदे की पाव रोटी डबल रोटी आप जितनी खाएंगे कब्जियत उतनी ही बढ़ेगी, कब्जियत बढ़ेगी तो शरीर की बीमारियां बढ़ने वाली हैं। 103 बीमारियां होती हैं, ये ध्यान रखिए। आज मेरे पास सुविधा नहीं है, अगर LCD प्रोजेक्टर होता तो मैं आपको यहां दिखाता। LCD है, LCD प्रोजेक्टर हो तो मैं आपको दिखाता कि जब आप ये खाते हैं ना, मैंने इस पे बहुत सुंदर स्लाइड्स बनाई हुई कि जैसे ही पाव रोटी खाते हैं तो अंदर क्या होता है पेट में जाने, डबल रोटी खाने के बाद क्या होता है, बिस्किट खाने के बाद क्या होता है, चाउमीन और नूडल्स खाने के बाद पेट में क्या होता है, कैसे कैसे वो कहां कहां चिपकता है, कितने एरिया को वो कवर करता है, और फिर कैसे आपको कॉन्स्टिपेशन बनाता है, और उसका बनाने का जो तरीका कोई देख ले तो उसको घृणा हो जाए, इतने खराब तरीके से बनता है।